हेलो एवरीवन, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जी हाँ, ये जो केस नंबर है CWJC 12481/2021, इस केस में इंटरवेन किया गया है बीएड एकता मंच के द्वारा। ये उनका नाम है सुजीत कुमार। आगे आपको मैं दिखाऊंगा। लगातार बार बार कहा जा रहा है इन मेरिट की ओर से कि आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ें, तो नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत उनको भी है। और ये जो केस है कितना देर तक न्यायालय में टिक पाएगी वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, आप विस्तार से चर्चा करता हूँ। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, आज बेटर होगा ऐसे अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको, CWJC 12481/2021 है इस केस में इंटरवेन किया गया है सुजीत कुमार के द्वारा, बीएड एकता मंच के द्वारा कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो केस है, केस का नंबर आप देख लीजिए, CWJC 12481/2021, ये आलोक के श्रीवास्तव की ओर से केस किया गया था। और देख लीजिए, सारा कुछ इनका डिटेल दिया गया है। इनका जो एडवोकेट है विकास कुमार है। और आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप गौरपूर्ण देखिएगा, यहाँ पे आइए फाइल इन्होंने की है 1/1/2021 25 अगस्त 2021 को इन्होंने आइए फाइल किया है। देखिए यहाँ पे 25 अगस्त 2021 को अभी पेंडिंग है स्टेटस इंटरवेनर पटिशन लिखा गया। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, 25 अगस्त 2021 को सुजीत कुमार एंड अदर के द्वारा किया गया है। इनका जो एडवोकेट रहेंगे वो आशीष गिरी जी हैं। तो आप को मैं बता दूं कि ये जो केस है ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि क्योंकि नोटिफिकेशन के ये लोग बार बार नोटिफिकेशन की बात करते आए हैं, क्यों कहते हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ें। तो हमें नहीं लगता है इन लोग को भी नोटिफिकेशन हज़ार बार इन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आप सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दीजिएगा, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दीजिएगा। उसमें कहीं से नहीं लिखा गया था कि सीट इतना है और रिजल्ट इसका इतना आएगा। तो आपको जैसा कि मालूम है कि दुगना से भी ज़्यादा सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया गया है, वो गलती किसकी है? जैसा कि यह सुजीत कुमार जी का कहना है कि वो गलती किसकी है, बिहार बोर्ड की गलती है या बिहार सरकार की गलती है या शिक्षा मंत्री की गलती है, गलती किसकी है? तो आप लोग भी पॉजिटिव रहें और डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो। हम बार बार लगातार आपसे कहते आ रहा हूँ कि आप सभी को जो STET 2019 क्वालिफाई हैं सबको मौका मिलेगा, 100% मौका मिलेगा। और ये जो केस है इसमें इन मेरिट वालों को हार होगी, 100% हार होगी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा कुछ और बहुत सारा उल्लंघन किया गया है जो नोटिफिकेशन के विरुद्ध है, बहुत सारा उल्लंघन हुआ है उसमें। तो वीडियो को लंबा नहीं करना है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहां अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कॉल कीजिए, मैं आपको समझाने की प्रयास करूँगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।